ఆయుష్మాన్ భారత్ను ఆరోగ్యశ్రీగా మార్చేశారని జగన్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా. విజయవాడలో నిర్వహించిన బీజేపీ శక్తి కేంద్రం సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. విజయవాడకు చరిత్రపరంగా సంస్కృతిపరంగా ఎంతో చరిత్ర ఉందన్నారు. ఏపీలో మార్పు కోసం ప్రతి ఇంటి తలుపు తట్టాలని బీజేపీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు జేపీ నడ్డా. బీజేపీ బలమెంతో సమీక్షించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు. బూత్ లెవెల్ వరకు పార్టీలో చేరికలను ప్రోత్సహించాలని నేతలకు సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో కేంద్ర పథకాలు అందుతున్నాయో లేదో సమీక్షించాలని అన్నారు. ఏపీకి మోదీ ఏమిచ్చారన్న చర్చ జరగాలన్నారు. यानी हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, हमें राष्ट्र के विकास का वाहक बनना पड़ेगा. हमें देश के उठते हुए हर प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा. हमें राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, ताकि कोई दुश्मन आंख न उठा सके, इसके लिए मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को आहूत करना पड़ेगा. हमें घर घर जाकर के राजनीति के तौर तरीके बदलने का उपकरण बनना पड़ेगा. उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा. हमें 46,000 बूथ तक पहुंचना है और हमने आपके माध्यम से 46,000 बूथ तक पहुंचने का योजना बनाई है. आपसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो अपने पांचों बूथ पर जाकर के बैठक लेने की जरूरत है और बैठक के अंदर सारी बातें उनके साथ करने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जरूरत है. नौजवानों को, महिलाओं को, वर्ग को लेकर के चलने की समिति बनाने की आवश्यकता है. हमें जाकर के देखना है कि आयुष्मान भारत की स्कीम को जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने आरोग्य श्री में बदल दिया, और यहां हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था, इन्होंने आयुष्मान भारत लागू किया था, लेकिन हमारे जगन बाबू ने आरोग्य श्री कर दिया. वह स्कीम जगन मोहन की स्कीम नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की स्कीम है. इसको भी हमको समझना चाहिए. इसलिए जाके देखना है कि वह स्कीम का लाभ 5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये उसको बताना है. सौभाग्य योजना में 2.5 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई गई है, उसको पता करना होगी कि कहां कहां बिजली पहुंची है. हर रविवार जो अंतिम रविवार आता है मन की बात का, यानी मन की बात अब हम अपने बेडरूम में नहीं सुनेंगे, अपने ड्राइंग रूम में नहीं सुनेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर बैठ करके मन की बात सुनेंगे. ये जो यहां पर चर्चा होती है ना कि मोदी जी ने क्या दिया, ये जो आज पुस्तिका मैंने दी है, इसको लेकर के बूथ पर चर्चा करनी है कि मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को क्या क्या दिया है, इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसको बताना चाहिए. दूसरा काम, हरेक के घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगना चाहिए, हरेक के घर पर. आप जाइए मेरे गांव में, सबसे बड़ा झंडा मेरे घर पर लगा हुआ है. आप कभी दिल्ली आइए, मेरे घर पर सबसे बड़ा झंडा लगा हुआ है. हमारा अस्तित्व बिना कमल के निशान के नहीं है. कमल है तो हम हैं, कमल है तो पार्टी है.